हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे पैरामेडिक्स और हॉस्पिटल में काम करने वाला हर कर्मचारी, वो हमारे असली योद्धा हैं। और ये समाज की और पूरे देश की कोशिश है भी और होनी भी चाहिए कि हम अपने योद्धाओं को सलाम करें और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें। आपको जान के अत्यंत दुख होगा कि देश की राजधानी के अंदर दो बड़े अस्पताल ऐसे हैं जो भाजपा शासित नगर निगम के अधीन आते हैं, जिन अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को मार्च से लेकर अभी तक का अपना वेतन नहीं दिया गया। केंद्र सरकार, भाजपा सरकार के अधीन आने वाले अस्पताल कौन से हैं? राम मनोहर लोहिया एम्स है, सफदरजंग है, ये बड़े बड़े अस्पताल। दिल्ली सरकार, जहां पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उसके अधीन आने वाले अस्पताल कौन है? LNJP है, राजीव गांधी है, जीबी पंत है, GTB है और अन्य अस्पताल। और ये तीनों सरकारें अपने अपने अस्पतालों को चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसकी अस्पताल में मशीनें, डॉक्टर, खान पान, दवाई, इलाज की पूरी व्यवस्था वो सरकार कराती है। केंद्र सरकार अपने अस्पतालों की, दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों की, नगर निगम अपने अस्पतालों की। 4 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के अधीन आने वाले अस्पताल, जैसे कि हिंदूराव अस्पताल, जैसे कि कस्तूरबा गांधी अस्पताल, बीते 4 महीने से उनके स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं दिया है, क्योंकि जितना भी पैसा नगर निगम के पास आता है वो सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी डिकार जाती है। 1 फूटी कौड़ी भी स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन के लिए इस महामारी के दौर में भाजपा ने नहीं दी। हिंदूराव अस्पताल के 1000 से अधिक डॉक्टरों की 3 महीने की सैलरी रोक ली, नहीं दिया। कुछ ही महीने पहले इसी महामारी के दौर में नगर निगम ने अपने अधीन आने वाले स्कूलों में जो अध्यापक हैं, जो स्टाफ है, उनकी भी सैलरी नहीं दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हे नगर निगम, तुम हर समय अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, तुम अपने गुनाहों के लिए दिल्ली सरकार को दायित्व नहीं दे सकते, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और दिल्ली सरकार का काम तो थोड़ी बहुत राशि आपको देना है, जो समय समय पर दिल्ली सरकार देती आई है, आप वो पैसा क्यों डकार जाते? आप वो पैसा आगे क्यों नहीं अध्यापकों को, स्वास्थ्य कर्मियों को देते हो? ये नगर निगम की सच्चाई। तो भ्रष्टाचार दशकों से करते आ रहे हो नगर निगम में, कम से कम महामारी के दौर में तो अपना भ्रष्टाचार बंद करो और उन बेचारे स्वास्थ्य कर्मियों को उनका वेतन दो। तुम सम्मान नहीं दे सकते, सम्मान मत दो, लेकिन उनकी जो अधिकार है, उनका जो हक है, उनका जो वेतन बनता है, कम से कम वो वेतन उनको दे दो। नगर निगम वालों, भारतीय जनता पार्टी वालों, चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि अपना भ्रष्टाचार बंद करो, कम से कम महामारी के दौर में तो बंद करो, और नगर निगम वालों को, नगर निगम में काम कर रहे अपने स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन दो।